हम डिस्कस कर रहे थे क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? और इसमें आप सभी को शायद प्रॉब्लम आ रही थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, समझ नहीं आ रही बात। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो, आप हमेशा जब भी कोई मेजरमेंट करते हो, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट एक्चुअली कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है किसके साथ? कंपैरिजन होता है विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर करते हो। जैसे कि आपने आपने कहा, आपकी मम्मी ने कहा, बेटा जा 5 किलो चीनी ले आ। तो मम्मी ने जितनी चीनी चाहिए थी मम्मी को, उन्हें उससे पहले ही आइडिया है। किस चीज का आइडिया? कि 1 किलो कितनी होती है, 1 किलो चीनी कितनी होती है, इसका आइडिया पहले ही है मम्मी को। उससे 5 गुनी लिया जाके। और 1 किलो क्या है एक्चुअली? 1 किलो वो है जो आपको बताया था शुरू में, कहाँ, जो म्यूजियम ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखा हुआ एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, वो है 1 केजी का, जो सारी सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर के बना लिया था। 1 केजी, 1 मीटर, सब डिसाइड कर लिए थे एक साथ बैठकर। तो जितना वो है पेरिस में रखा हुआ, उससे 5 गुना चीनी जाके लिया। अब मम्मी तो पेरिस गई नहीं, इन्हें क्या पता पेरिस में क्या रखा हुआ है। लेकिन लेकिन इसके इक्वल 1 किलो का, 1 किलो का कोई भी मटेरियल उन्होंने पहले ही कभी देखा हुआ है जिंदगी में? कई बार उन्होंने 1 किलो 1 किलो 1 किलो देखा हुआ है। 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी, 1 किलो मटर, उन्हें पता है 1 किलो कितना होता है। तो उस जब ये 5 किलो चीनी उन्होंने कहा, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 1 किलो चीनी, 1 किलो क्वांटिटी होती है, उससे 5 गुनी क्वांटिटी लिया। जितनी 1 किलो होती है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी से 5 गुनी क्वांटिटी जाकर तुलाराम जी कहाँ से लिया। तो ये जो 1 केजी है, ये 1 केजी है, ये यूनिट है आपकी। और यूनिट का 5 गुना ये आपका क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है। 5 गुना, 5 टाइम्स, ये 5 तो है मैग्नीट्यूड, और ये 1 केजी, ये बेसिक क्वांटिटी, ये है आपकी यूनिट। तो इसी तरह से जब भी आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वेक्टर को आप किसी एक सर्टेन क्वांटिटी का मल्टीपल में आप ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल में आप ड्रॉ करते हैं उसको। कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे कि आपने कहा किसी बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, ये आपको पहली पता है, पहली नोन है, ये पहली पता है कि 1 सेकंड में अगर 1 मीटर डिस्टेंस चले बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी को हम 1 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन पर चले 1 सेकंड में 1 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी को हम 1 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। अब जितनी ये 1 मीटर पर सेकंड है, उससे 20 गुनी है। तो जब आप वेलोसिटी लिखते हो, 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्चुअली इसे आप लिखते हैं 20 × 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। डायरेक्शन आपने दे दी। तो यहां जो 20 है, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। और ये पूरा का पूरा 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ये क्या है? ये यूनिट है। लेकिन ध्यान से देखें। अच्छा चलो, फिर से एक और हम काम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। वेलोसिटी के साथ साथ कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। वेलोसिटी के साथ साथ मैं एग्जांपल ले लूं फोर्स का। आपने एक फोर्स लगाई कहीं पर, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो एक्चुअली आपको पहले ही पता है कि 1 न्यूटन की फोर्स कितनी होती है। 1 न्यूटन की फोर्स कितनी होती है, ये आपको पहले ही पता है। 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, जितनी ये होती है 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका 5 गुना फोर्स लगा दो। 1 न्यूटन जितनी भी होती है, उससे 5 गुना फोर्स लगा दो, तो वो 5 न्यूटन हो जाएगी आपकी।
यहाँ ये जो 5 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या चीज है, ये आपका यूनिट है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में डायरेक्शन है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये नॉर्थ है, डायरेक्शन है। तो ये यूनिट, सिर्फ यूनिट, यूनिट क्या है इसकी, मैग्नीट्यूड कितना, 1 है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे यूनिट फैक्टर। वर्टिकली डाउनवर्ड है 1 न्यूटन, 1 1 का मतलब 1 यूनिट, और वर्टिकली डाउनवर्ड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो अब आपका एक्चुअल में जो फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन क्या है, 5 × 1 × सम यूनिट वेक्टर। कौन सा है वो यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर है 1 न्यूटन ड्यू डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो अब इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका वेक्टर है, ये फोर्स का यूनिट वेक्टर है। तो इस फोर्स के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इसके ऊपर कैप बना दिया, कैप बना दी, जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो बनाए थे सिंबल के ऊपर, ऐसे यहाँ सिंबल के ऊपर आपने क्या बना दिया, एक कैप बना दिया, कैप बना दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर। इस एफ कैप को कहेंगे आप क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर। और ये 5 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को आप सिंबल के ऊपर बिना एरो के लिखते हैं। जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको क्या बताया था कि अगर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड या तो ए वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस बना के लिखोगे या लिखोगे सिर्फ ए। तो अब ये फोर्स का यूनिट वेक्टर और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लिखूं इसे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ डॉट एफ कैप। ये फोर्स वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये क्या चीज है आपका, यहाँ फोर्स वेक्टर, ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, और ये क्या चीज है फिर, ये क्या है, ये है आपका क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो कोई भी इन जनरल किसी भी वेक्टर को, इन जनरल आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो अपना हाथ उठाए उठाए रखें, वरना हाथ डाउन कर लें, आप अपना हैंड डाउन कर लें। पलक, आप बताइए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बताइए वर्णिका। सर, जितना गुना हम उसको ज्यादा लेते हैं यूनिट वेक्टर कैप से, वो मैग्नीट्यूड है, और जिस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी या फिर फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन है। चार लाइन है आपके सामने, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ड्यू नॉट, फिर वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल 20 × 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है, इसमें 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ को हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर है, 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, इट इज यूनिट वेक्टर।
अब मेरे दोनों सवालों के आंसर यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों सवालों के आंसर लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला कि मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर का, दूसरा डायरेक्शन क्या है यूनिट वेक्टर की। उत्कर्ष त्यागी आपकी आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलिए, माइक अपने साथ लाए पास लाइए, मोबाइल अपने मुंह के पास लाके तब बोलिए। चाहिए अलग हर, यहाँ मैग्नीट्यूड तो 20 है और डायरेक्शन नॉर्थ है। ओके अधिराज आप बताइए। सर वो ही है सर जो पलक का है। ओके ओके अच्छा वर्णिका जी आप बताएं। मैग्नीट्यूड 20 है सर, मैग्नीट्यूड 20 और यूनिट फैक्टर है 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, और ये दोनों ही आंसर आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। उत्कर्ष त्यागी की आवाज हम तक नहीं आई थी तो इन्होंने मैसेज कर दिया मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन नॉर्थ बोली है इन्होंने। ओके उत्कर्ष आपका आंसर मिल गया, ठीक है। वर्णिका आप ट्राई कीजिए आंसर बताइए। मैग्नीट्यूड 20 और डायरेक्शन नॉर्थ, चलिए कोई बात नहीं, वैसे किसी का भी आंसर एब्सोल्युटली राइट नहीं था, 100% किसी का भी आंसर नहीं, लेकिन उत्कर्ष का आंसर फिर भी कुछ हद तक ठीक है। उत्कर्ष ने कहा कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 है और डायरेक्शन बताई इन्होंने नॉर्थ, ठीक है। अब आ जाओ वापस, देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, आपके वेक्टर है 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, इसमें से मैग्नीट्यूड है 20, इट इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, 20 मीटर पर सेकंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो पूरे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ध्यान से देखो, बिल्कुल साफ साफ मैंने बना रखा है कि यूनिट वेक्टर कौन सा, 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर यहाँ कौन सा है, यूनिट वेक्टर यहाँ मैंने फोर्स का ये बना रखा, देखो फोर्स का यूनिट वेक्टर 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ ये यूनिट वेक्टर है। ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड, इस वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, तभी तो ये यूनिट वेक्टर है जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ओनली 1, ओनली एंड ओनली 1, और कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होना है, अगर वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड, अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन, फोर्स है तो 1 न्यूटन, अगर एक्सीलरेशन है तो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 1 ही तो रहा ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, आपकी वेलोसिटी गिवन थी नॉर्थवर्ड और यूनिट वेक्टर है 1 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, तो यूनिट वेक्टर की वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, और नॉर्थ क्या है, नॉर्थ आपकी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, नॉर्थ आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्थ ही है। इधर देखना जरा ध्यान से, ये आपके गिवन वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन थी वर्टिकली डाउनवर्ड और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप दोनों से क्या रिजल्ट निकला कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आपकी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आपकी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ओनली एंड ओनली 1, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज नॉट नॉर्थ और समथिंग, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यहां तक की बात समझ आई आपको या नहीं?